हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आई एम डॉक्टर सुनीता मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ पोयम एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस बाय तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन वॉज बॉर्न इन 1962। शी इज़ अ बांग्लादेशी feminist author and former physician who was forced into exile in 1994. Exile means उन्हें अपनी कंट्री से निकाल दिया गया था 1994 में, because of her controversial writings. उनकी controversial राइटिंग्स के कारण उन्हें 1994 में अपनी नेटिव कंट्री से बाहर कर दिया गया था। हर फादर रजब अली वॉज ऑल्सो अ फिजिशियन। उनके फादर रजब अली भी एक डॉक्टर थे, फिजिशियन थे। शी वॉज ब्रॉट अप इन मैमनसिंह किसी जगह का नाम है जहाँ पे तस्लीमा नशरीन का पालन पोषण हुआ। ब्रॉटअप मतलब पालन पोषण होना। ब्रिंगअप की सेकेंड फॉर्म है ब्रॉटअप। एंड वेंट ऑन टू स्टडी मेडिसिन एट मैमनसिंह मेडिकल कॉलेज। और वो उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई मैमनसिंह मेडिकल कॉलेज से करी एंड ग्रेजुएटेड इन 1984 में कंप्लीट करी MBBS डिग्री उन्होंने। इन कॉलेज शी डेमोन्स्ट्रेटेड हर प्रोक्लिविटी फॉर पोइट्री। प्रोक्लिविटी मीन्स उनका जो झुकाव था वो पोइट्री राइटिंग की प्रति ज़्यादा था, और कॉलेज के अंदर ही ये सबको नज़र आने लगा। एंड एडिटिंग अ पोइट्री जर्नल कॉल्ड सेजुंती नाम के पोइट्री जर्नल को उन्होंने एडिट किया। आफ्टर ग्रेजुएशन शी वर्कड एट अ फैमिली प्लानिंग क्लिनिक इन मैमनसिंह फॉर अ वाइल। थोड़े दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, ग्रेजुएशन करने के बाद, MBBS करने के बाद उन्होंने एक फैमिली प्लानिंग क्लिनिक के ऊपर काम किया। बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे गेव इट अप टू टेक अप राइटिंग फुल टाइम। राइटिंग को फुल टाइम देने के लिए उन्होंने इस क्लिनिक को छोड़ दिया। नोन एज वन ऑफ द नोटेड फेमिनिस्ट ऑथर्स ऑफ साउथ एशिया, हर वर्क्स कंडम द पैट्रियार्चल प्रैक्टिसेस एंड ऑपरेशन ऑफ वुमन इन द इस्लामिक कम्युनिटी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्लामिक कम्युनिटी में कितना ज़्यादा वुमन का विक्टिमाइजेशन होता है, कितना पुरुष प्रधान समाज उनका है आज भी, तो उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनके जो वर्क्स हैं, उन्होंने कंडम किया है किसको? पैट्रियार्चल प्रैक्टिसेस को, पुरुष प्रधान जो प्रैक्टिसेस हैं, एंड ऑपरेशन ऑफ वुमन इन इस्लामिक कम्युनिटी। हर राइटिंग वॉज उनकी जो राइटिंग है वो सेक्सुअल, ऑनेस्ट एंड रिसीव्ड ह्यूज क्रिटिसिज्म फ्रॉम कंजर्वेटिव मुस्लिम पॉपुलेशन। जो रूढ़िवादी मुस्लिम समाज हैं उन्होंने उनकी राइटिंग्स का खूब क्रिटिसिज्म किया है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच शी वॉज फोर्स टू गो इंटू हाइडिंग एंड रीलोकेट टू स्वीडन। इस कारण से ही वो छोड़ करके वहाँ से अपने घर को स्वीडन चले गए और वहाँ पे रहने लग गए। शी रोज टू ग्लोबल फेम बाय द एंड ऑफ द 20th century। पूरे वर्ल्ड में उनकी फेम, उनको फेम मिली 20th century में, ओविंग टू हर एसेज, उनके एसेज के कारण एंड नॉवल्स के कारण, विथ फेमिनिस्ट व्यूज एंड क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म।
सिंस लिविंग बांग्लादेश इन 1994 ऑन अकाउंट ऑफ थ्रेट्स शी हैज़ लिव्ड इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। बांग्लादेश को 1994 में छोड़ने के बाद, क्योंकि उनको बहुत सारे थ्रेट्स मिल रहे थे, वहाँ पे धमकियाँ मिल रही थी, और वो बहुत सारी कंट्रीज़ में गई, लाइक इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स में जा कर के रही। शी वर्क्स टू बिल्ड सपोर्ट फॉर सेकुलर ह्यूमनिज्म, फ्रीडम ऑफ थॉट, इक्वालिटी फॉर वुमन एंड ह्यूमन राइट्स बाय पब्लिशिंग, लेक्चरिंग एंड कैंपेनिंग। उन्होंने बहुत काम किया सेकुलर ह्यूमनिज्म के लिए, फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए, वुमन्स की इक्वालिटी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। हर फेमस वर्क्स इंक्लूड लज्जा, जो कि 1993 में पब्लिश हुआ, अमर बेला, जो 1999 में पब्लिश हुआ, एंड देवी दवी खानुंदो, दवी खानदितो, जो कि पब्लिश हुआ 2003 में। ये जो पोएम है एट द बैक ऑफ द प्रोग्रेस, इस पोएम में जो टाइटल है एट द बैक ऑफ द प्रोग्रेस इज इंडिकेटिव ऑफ द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड को दिखाता है। एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस मतलब प्रोग्रेस के पीछे, एक तरफ तो हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन जो वुमन्स की कंडीशन है वो एज इट इज़ है, वैसे की वैसी है, उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड दिखाती है, ये जो टाइटल है ये डबल स्टैंडर्ड दिखाता है सोसाइटी का। द पोएम ऑब्जेक्टिफाइज, द पोएम एम्स एट द कंडीशन ऑफ वुमन इन अ पैट्रियार्चल सोसाइटी। पुरुष प्रधान समाज में क्या स्थिति है वुमन की, ये इस पोएम में दिखाया गया है। विच विक्टिमाइजेज हर, ये जो पुरुष प्रधान समाज है कैसे उसका विक्टिमाइजेशन करता है, कैसे उसका शोषण करता है, इसी को एक्सपोज किया है पोइट ने, तस्लीमा नसरीन ने। द पोइट एक्सपोजेज द हिडन फेस ऑफ डिवेलपमेंट। पोइट ने डिवेलपमेंट एक तरफ से तो हो रहा है, इसका हिडन फेस, एक छुपा हुआ चेहरा हमारे सामने प्रस्तुत किया है। एंड पॉइंट्स आउट द एटीट्यूड ऑफ मैन एंड देयर डूबियस स्टैंड्स ऑन मोरालिटी, और एक्सपोज किया है कि किस प्रकार से जो मैन है उनका एटीट्यूड ड्यूबियस काइंड का है। हर कंटेंशन, कंटेंशन मीन्स विवाद, उनका विवाद, उनका कंटेंशन इज दैट मैन्स ट्रीटमेंट ऑफ वुमन इज द सेम इन एवरी पैट्रियार्चल सोसाइटी। मैन का जो ट्रीटमेंट है वुमन के लिए वो सेम है सभी पुरुष प्रधान समाजों में, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब जगह स्थिति एक समान है। द पावर स्ट्रक्चर इज कंट्रोल्ड बाय हेजिमनी विच अलाउज हर टू लिव एट देयर मर्सी, और वुमन जो है पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों की दया पर जीवित रहने को मजबूर है। यही इस पोएम में तस्लीमा नसरीन ने डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल दे के बताया है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द टेक्स्ट टू यू।